नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट ऑन स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। मांगलिक होना एक प्रकार का दोष है। मांगलिक दोष होने पर वैवाहिक जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। मांगलिक दोष मंगल ग्रह के कारण कुंडली में बनता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल लगन भाव चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव और बारहवें भाव में होता है, उसे मांगलिक दोष का सामना करना पड़ता है। मांगलिक दोष जो वाले जातकों को मांगलिक कन्या से विवाह शुभ होता है। ऐसे में जानते हैं कि मांगलिक दोषों से मुक्ति पाने के लिए कौन कौन से उपाय करना अच्छा होता है। पहला है कुंभ विवाह। यह एक प्रकार का काल्पनिक विवाह होता है। इसमें किसी घड़े के साथ वैवाहिक रस्म का पूरा करने के बाद इसे फोड़ दिया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से मंगल दोष समाप्त होता है। इसके बाद होता है भात पूजन। उज्जैन के मंगलनाथ नामक स्थान पर भात पूजन किया जाता है। भारत में मात्र यही एक स्थान है जहां मांगलिक दोष के लिए ऐसा किया जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर भात पूजन करवाने से मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। इसके अलावा नीम का पौधा लगाएं। जहां रहते हैं उस परिसर में एक नीम का पौधा लगाएं। इस पौधे को पेड़ हो जाने तक संभाल कर करें। इस पौधे को पेड़ हो जाने तक देखभाल करें। चाहे तो बड़ा पौधा लगाकर भी 43 दिनों तक इसकी देखभाल कर सकते हैं। ऐसा करने से मांगलिक दोष का निवारण होता है। इसके बाद आता है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का कम से कम 1008 बार पाठ जरूर करें। इसके अलावा नियमित हनुमान जी की उपासना करें। साथ ही साथ 43 दिनों तक सफ़ेद सुरमा लगाएं। इसके अलावा कुत्ते को रोटी खिलाएं, चांदी का चैन धारण करें। इसके अलावा किसी ज्योतिष से सलाह लेकर मांगलिक दोष की शांति करवाएं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।